उत्तर प्रदेश में सोनभद्र के गरीब आदिवासी मजदूरों के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी मसीहा बनी हुई हैं। यहां लॉकडाउन के दौरान प्रियंका गांधी की ओर से अनाज के 2 ट्रक गरीब आदिवासी मजदूरों के लिए भेजे गए थे। कांग्रेस की यूपी प्रभारी की पहल के बाद जिला कांग्रेस कमेटी ने भी जुगैल क्षेत्र के पपरहवा, पलहारी और मच्छरमारा गांव के अति गरीब बेसहारा 150 लोगों को राशन की एक किट दी है। राशन की इस किट का नाम है प्रियंका गांधी किट। दरअसल कांग्रेस यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी की पहल के बाद सोनभद्र कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष अरविंद सिंह और जिला सचिव शत्रुघ्न मिश्रा ने 150 गरीब और आदिवासी लोगों को प्रियंका गांधी किट के राशन का वितरण किया। लाभार्थियों ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से ज्यादातर रोजी रोजगार समाप्त हो चुके हैं और काम धंधा भी बंद है। ऐसे में प्रियंका गांधी जी ने जो मदद भिजवाई है उससे हम लोगों की रोजी रोटी चलेगी। इस मदद के लिए हम सब प्रियंका गांधी के बहुत आभारी हैं। ये मिला है, आईली अपन हाथ बड़ी है, दो दो अनहार हुई, ये हाल प्रियंका गांधी की मिला रहा। अच्छा। जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव शत्रुघ्न मिश्रा ने कहा कि प्रियंका गांधी के निर्देश पर लॉकडाउन से ही लगातार यहां मास्क, अनाज और अन्य राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। सोनभद्र जिले पर प्रियंका गांधी जी का विशेष ध्यान है और यही वजह भी है कि प्रियंका गांधी द्वारा अनाज के किट की एक खेप यहां भेजी गई थी। पदाधिकारियों द्वारा सोनभद्र में सभी ब्लॉकों के जरूरतमंद लोगों में इसका वितरण किया जा रहा है। प्रियंका गांधी जी के निर्देश पे पूरे जनपद में हर ब्लॉकों में गरीबों को खाद्यान्न वितरण करने के लिए आया हुआ है, प्रियंका दीदी द्वारा भेजा गया है। इसी क्रम में हम लोग आज पपड़हवा, पलपल और पलहारी, मच्छरमारा के ग्रामीणों को, जो एकदम बेसहारा है, जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है, रोजगार के कोई साधन, ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित करके उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनकी मदद के लिए हम लोग खाद्यान्न जो प्रियंका गांधी जी द्वारा भेजा गया उनको उन तक पहुँचाया जा रहा है। निश्चित तौर पर सोनभद्र में वर्ष 2019 के जुलाई महीने में जमीनी विवाद में उम्भा नरसंहार कांड को अंजाम दिया गया था। वर्तमान सरकार द्वारा पीड़ितों की मदद करने के बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से भी नरसंहार कांड के पीड़ितों को नगद सहायता के साथ साथ राशन भी उपलब्ध कराया गया था। इसके बाद से ही कांग्रेस की राजनीति इन्हीं आदिवासियों के इर्द गिर्द घूम रही है। ऐसे में लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद भी राशन वितरण इसी रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है। शरद सोमानी, जनमत न्यूज़, सोनभद्र।